ब्रांड न्यू यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर सुबोध सिंह एंड अमृता कुमारी। यहाँ पे आप जो सपने खुली आंखों से देखते हैं वो पूरे होते हैं। और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ अपने ग्रेट अपलाइन के सर और करुणा मैम को और विनिंग टीम को। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक्साइटेड हैं? गुड मॉर्निंग। ओके थैंक यू थैंक यू। दोस्तों नाम सुबोध कुमार सिंह, रांची झारखंड से हूँ। सबसे पहले मैं अपने परमपिता परमेश्वर को मैं थैंक यू करता हूँ कि इतने अच्छा बिजनेस मुझे मिला। इसके बाद मैं अपने माता पिता को और हमारे जो ग्रेट अपलाइन हैं करुणा मैम एंड के सिंह सर को मैं चरण स्पर्श प्रणाम करता हूँ कि सर ने मुझे ये बिजनेस इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में दिया। मैं इसके बाद मैं अपने मेंटर एसपी भायरल सर एंड संध्या मैम एंड एंटायर विनिंग टीम को मैं धन्यवाद करता हूँ कि इतनी अच्छी एजुकेशन सिस्टम हमें मिला और आज उस एजुकेशन के दम पे मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। कहते हैं ना कि वो लोग खुशकिस्मत वाले होते हैं जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि जब समय होता तो समझ नहीं होती और जब समझ आती तो आपके पास समय नहीं होता। तो मैं फिर से थैंक यू करता हूँ ऊपर वाले को कि मुझे राइट टाइम पे ये बिजनेस मिला। दोस्तों आज तक मैं पहले टाइम पे मैं अपने बारे में थोड़ा आपको बता दूँ कि मैंने इस बिजनेस में आने से पहले मैंने जॉब भी करी। जॉब के साथ साथ मैंने कुछ ट्रेडिशनल बिजनेस को भी शुरुआत किया था, लेकिन बहुत सारे बिजनेस करने के बाद बहुत कुछ ऊपर नीचे हो रहा था और उसी वक्त लग रहा था कि जो मैं काम कर रहा हूँ यहाँ से 100% जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है और मैं कुछ ढूंढ ही रहा था। और उसी वक्त एक इंसान हमारी ज़िंदगी में आते हैं और ऊपर वाले का फरियाद लेकर और मुझे के पास में झूठ बोलकर वो लेके चले जाते हैं। मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है आगे, लेकिन वो मुझे इतना कहते हैं कि चलिए मैं आपको एक व्यक्ति से मैं मिलवाता हूँ। और मैं जब पहली बार सर के पास में गया और सर ने जब इस बात की शुरुआत करी, पूछे कि आप क्या करते हैं और उसके बाद सर कुछ बताना शुरू किए, तो मैं सर का कोई बात नहीं सुन रहा था, लेकिन मैं एक ही चीज़ मुझे समझ में आ रहा था कि सर मुझे जो चीज़ बता रहे हैं ये क्यों बता रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हमारे जो अपलाइन हैं इन ये जिस जॉब में हैं लाखों लोगों में एक व्यक्ति की सिलेक्शन होती है इस बिजनेस में, यस और नो। लेकिन मैं प्लान नहीं समझ पा रहा था, लेकिन एक चीज़ मुझे समझ में आ रहा था कि जहाँ पे हैं वो ऑलरेडी वो सक्सेस हैं फिर भी इस काम को क्यों कर रहे हैं। बस ये बात मुझे बार बार ये पिंच करता था। आज इस हॉल में कितने से लोग हैं जो पहली बार एफआरयू में आए हैं, हाथ खड़ा कर सकते हैं आप। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं मेरे दोस्त कि मैं भी बिजनेस को शुरुआत किया था और जस्ट थोड़े ही समय बाद इंदौर में एक एफआरयू हो रहा था और सर जबरदस्ती उस फंक्शन में लेके गए थे। और जब मैं पहली बार उस फंक्शन में गया उतने सारे लोगों को मैं देखा
तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि बीच प्रोग्राम में मैं बैठा था करीब 2 बजे के आसपास में। दूसरे दिन का प्रोग्राम होते होते और सर का मैंने हाथ पकड़कर एक ही बात मैंने कहा कि सर आप जो कहेंगे अब वो मैं सब कुछ कर दूंगा। उस एक्साइटमेंट के साथ मैं लौटा अपने घर। एक्साइटमेंट था लेकिन इस इंडस्ट्री को लेकर कोई नॉलेज नहीं था। और वहाँ से आने के बाद सर के बताए रास्ते पे चलना शुरू किया। कुछ काम चल रहे थे उस वक्त, मैं फुल टाइम इसको कर नहीं पा रहा था, उधर भी काम चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे इस काम की मैंने शुरुआत किया और आज मैं आप लोगों के सामने इस मंच पे उपस्थित हूँ। मेरा एक मैसेज है कि आज अभी तक के 2 दिनों के प्रोग्राम में इस हॉल में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज इस ड्रीम को देखे होंगे कि नहीं मुझे वहाँ नहीं, मुझे यहाँ होना है। और आप निश्चित होंगे, प्रोसेस में कुछ समय लगता है, अगर आपने ठान लिया तो निश्चित होगा। और एक चीज़ कहते हैं ना कि जब आप किसी काम को शिद्दत से चाहते हो तो वो पूरी कायनात लग जाती है उसे पूरा करने में। और मैं, मुझे एक लाइन हमेशा मोटिवेट करता है और वो बात पिछली बार भी एक प्रोग्राम में अनूप सर ने भी कही थी कि जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं आप बहुत सोच समझ के उस काम को शुरू करते हैं। जब आपने शुरुआत किया तो किसी भी स्थिति में आप बीच रास्ते में उसे ना छोड़ें। आप कुछ भी हो जाए, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं, हम लोग किसी भी जगह से भी आए हैं, अगर मैं झारखंड से, अगर मैं अपनी बात करूं कि मैंने झारखंड से ट्रेन से अपनी यात्रा शुरू किया, हो सकता है कि जितने लोग झारखंड से चले थे वो सब लोग दिल्ली नहीं आए हैं, कुछ लोग आने वाले 2 स्टेशन के बाद वो उतर गए, लेकिन कुछ लोग 2 स्टेशन के बाद उस ट्रेन पर चढ़ भी गए। आपके साथ भी इस बिजनेस में ऐसा होता है कि अरे हमारे साथ कुछ लोग आए थे और इस बिजनेस से चले गए। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि दोस्त, आप इस प्लेटफॉर्म पर टिके रहिए और आप जो भी ड्रीम देखे हैं वो सब कुछ पूरा होगा, सब कुछ पूरा होगा। और आज अभी 2 दिनों के अंदर में आपने एक चीज़ देखा होगा कि इस प्लेटफॉर्म के अंदर में सभी तरह के लोग आपको यहाँ पे अभी मिले हैं। आज अभी श्रीनिवास सर को अपने हम लोगों ने देखा, कल सलीम सर को भी हम लोगों ने देखा, यहाँ पे आज हमारे ग्रेट लाइन अपलाइन के सर को भी हमने देखा कल। तो आप सोच के देखिए कि ये दोनों के बीच में हम लोग कहीं ना कहीं तो हैं। अगर आप एक बार डिसाइड कर लेते हैं तो मैं आपको पूरी यकीन दिलाता हूँ कि आप वहाँ नहीं, आप यहाँ होंगे। तो एक चीज़ मैं चलते चलते कहना चाहता हूँ कि इस रंग बदलती दुनिया में अपना भी कोई रंग होगा, इस रंग बदलती दुनिया में अपना भी कोई रंग होगा और दुनिया उसी को सलाम करेगी जो विनिंग टीम के संग होगा। थैंक यू सो मच, बैक टू होस्ट, लव यू।